हे गाइस, दिस इज अनमोल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपनी किसी भी विंडोज का पासवर्ड ब्रेक कर सकते हो सिर्फ एक मिनट में। तो अभी अभी मैं जिम से अपना होके आया हूं और किसी इंपॉर्टेंट काम से मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया तो मैं अपना पासवर्ड ही भूल चुका। मैंने एक्चुअली कल न्यू पासवर्ड एक सेट किया था और आज मेरे को वो पासवर्ड याद नहीं आ रहा मैंने क्या डाला था। तो अब मेरे को वो पासवर्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा आपके लिए भी एक वीडियो बना दूं। आई एम श्योर आपके साथ भी ये चीजें काफी बार हुई होगी कि आप अपना पासवर्ड लगा के भूल जाते हो। तो अब पासवर्ड ब्रेक करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो तो है आप अपनी विंडोज फिर से इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या आपका जो डेटा होगा सी ड्राइव में और डेस्कटॉप में वो पूरा का पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, आप हिडन बूट नाम का एक सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू आप पासवर्ड ब्रेक कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं उसी तरीके से आपको पासवर्ड ब्रेक करके बताऊंगा, काफी इजी स्टेप्स है दोस्तों। अगर आप वीडियो शुरू से लेकर पूरे लास्ट तक देखोगे तो काफी इजी स्टेप्स है ये। और इसके लिए आपको बूटेबल बनानी पड़ेगी अपनी पेन ड्राइव को पहले हिडन बूट सॉफ्टवेयर से। और वो अगर आपको नहीं आता तो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने सिखाया कि आप किस तरह से अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। और उसी वीडियो में मैंने हिडन बूट के थ्रू ही आपको मतलब यूमी के थ्रू ही हिडन बूट बनाना सिखाया आपको। तो आप वो वीडियो पहले जाकर देख लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको वीडियो देख के भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है अपने ब्लॉग का, उसमें मैंने सारे रिटर्न स्टेप्स दे रखे हैं एक पीडीएफ फाइल में। मतलब आप वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लो, उसमें सारे स्टेप्स रिटर्न लिखे हुए हिंदी इंग्लिश दोनों में। और अगर आपको मतलब उसको पढ़ने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और वहां पर टेक्स्ट करके पूछ सकते हो कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी ये जो मेथड है काफी ज्यादा इजी मेथड है, कुछ इतनी दिक्कत नहीं है, एक मिनट के अंदर अंदर आप अपना पासवर्ड तोड़ दोगे। और अब सीधा मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको मैं सारे स्टेप्स डिटेल में समझा देता हूं अच्छी तरह कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीसी में इस वक्त पासवर्ड लगा हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने पीसी से बूट करवानी है अपनी पेन ड्राइव को जिसमें आपने हिडन बूट को इंस्टॉल कर रखा है। तो अब मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो अलग अलग पीसीज में अलग अलग बटन से आपका बूट होता है, मतलब किसी में F9 से होगा, किसी में F10 से होगा, किसी में F11 से होगा और किसी में F12 से। तो मेरे लैपटॉप में F12 से बूट होता है, तो पहले मैं जल्दी से बूट करवा लूँ अपनी पेन ड्राइव को F12 दबाकर। तो आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा अपने पीसी को, और जैसे ही आप रिस्टार्ट करोगे तो आपको F12 हिट करना है जल्दी से। और F12 करते ही आपके पास कुछ इस तरह का मेन्यू आ जाएगा और उस मेन्यू में आपको बूट करवाना है अपना USB स्टोरेज डिवाइस को। तो मैं यहाँ पे करवा लेता हूँ। तो जैसे ही आप करवाओगे आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी यूमी मल्टी बूट USB इंस्टॉलर के नाम से। अदर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टूल्स पर क्लिक कर एंटर मारना है। एंटर मारने के बाद आपको उसके नीचे दिख जाएगा हिडन बूट CD 15.x, इस पर आपको एंटर मारना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का मेन्यू खुल जाएगा। अब ये मेन्यू आते ही आपको नीचे देखना है, छठे सातवें नंबर पे आपको दिख जाएगा ऑफलाइन NT 2000 XP Vista 7 विंडोज पासवर्ड चेंजर। अब इसमें लिखा तो है XP Vista और 7 का विंडोज पासवर्ड चेंजर, लेकिन आप इससे किसी भी विंडोज का पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं, चाहे वो विंडोज 8 हो चाहे विंडोज 10 हो। तो आपको ऑफलाइन NT 2000 वाले इस पे ऑप्शन पे एंटर मार देना है। और जैसे ही आप एंटर मारोगे आपको यहाँ पे बूट लिखा हुआ दिख जाए, और जैसे ही आपको ये बूट लिखा हुआ दिख जाए आपने एक बार फिर से एंटर मारना है। और एंटर मारते ही आपके पास थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी कुछ इस तरह की, और इसको आपको होने देना है। जैसे ही ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, और प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ कैंडिडेट विंडोज पार्टीशन फाउंड। अब आपके पास यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे 3 पार्टीशन है, मेरे लैपटॉप में 3 है, आपके में चाहे वो 2 हो सकते हैं चाहे वो 4 हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता लगाना है कि आपके किस पार्टीशन में आपकी विंडोज है। अब देखो जो मेरी पहली पार्टीशन है वो है 71 GB की। मुझे पता है मेरी जो विंडोज सी ड्राइव वाली पार्टीशन वो 71 GB की थी, तो मैं अपना फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। तो अब इसने न्यूमेरिकल 1, 2, 3 लिखे हुए हैं, मेरे को मतलब अपना फर्स्ट पार्टीशन चूज करना है, तो मेरे को यहाँ पे 1 टाइप करना है और एंटर दबा देना है। जैसे ही आप एंटर दबाओगे अब आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया, और उसके नीचे लिखा आ जाएगा आपके पास विंडोज फाउंड एज विंडोज। तो जैसे ही अगर आपकी ये लिखा हुआ आ गया इसका मतलब आपने सही पार्टीशन सेलेक्ट किया अपना। तो इस स्क्रीन के आने के बाद आपको एक बार फिर से एंटर हिट करना है, और एंटर जैसे ही आप हिट करेंगे आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी और नीचे आपको लिखा होगा सेलेक्ट विच पार्ट ऑफ रजिस्ट्री टू लोड। तो उसके नीचे आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, एक होगा 1, 2 एंड Q। तो आपको 1 जो ऑप्शन है आपका उसमें लिखा हुआ है पासवर्ड रीसेट। तो जैसे ही आपके पास ये ऑप्शन आएगा आपको 1 टाइप करना है और एंटर हिट कर देना है। एंटर हिट करते ही आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जहाँ पे आपके पास लिखा होगा लोडेड हाइव। तो आपको ये आते ही फिर से 1 दबाना है और एंटर कर देना है। एंटर करते ही आपके पास 3-4 यूजर नेम आ जाएंगे। तो आपको इसमें से चूज करना है आपके पीसी का यूजर नेम कौन सा। जैसे मेरे केस में जो मेरा यूजर नेम है वो है ASD, तो मेरे को ASD टाइप करके, जैसे ही मैं ASD टाइप करूंगा उसके बाद एंटर फिर से हिट करना है।
उसके बाद आपके पास एक और स्क्रीन आ जाएगी इस तरह की। अब आपके पास नीचे एक मेन्यू दिया हुआ है, यूजर एडिट मेन्यू, उसमें काफी सारे ऑप्शन है 1 से लेकर 4 तक, और क्यू भी है उसके बाद। तो 1 है हमारा क्लियर यूजर पासवर्ड, तो हमें पासवर्ड ब्रेक करने के लिए 1 एंटर करना है और फिर से एंटर दबा देना है। अब आपके पास जैसे ही लिखा आ जाएगा पासवर्ड क्लियर्ड, आपके पास ये स्क्रीन आ चुकी है, इसमें लिखा हुआ आ गया आपका पासवर्ड क्लियर। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये सिंबल टाइप करना है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये किस तरह से करेंगे, आप Shift+1 को दबाएंगे अगर, तो ये आपका सिंबल आ जाएगा, और ये सिंबल डालते ही आपको एंटर करना है। फिर से एंटर करते ही आपके पास फिर से लोडेड हाइव लिखा आ जाएगा, जो लास्ट टाइम लिखा है वो आया था। और इस बार हमें 1 नहीं दबाना है, लेकिन इसमें इस बार हमें दबाना है क्यू। क्यू दबाते ही हमें फिर से एंटर करना है, और जैसे ही आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी, लास्ट में लिखा होगा अबाउट टू राइट फाइल्स बैक डू इट क्वेश्चन मार्क, आपको यहां पर वाई लिखना है और एंटर कर देना है। अब आपके पास एक स्क्रीन आ गई है जिसमें नीचे लिखा हुआ है एडिट कंप्लीट, इसका मतलब आपका पासवर्ड ब्रेक हो चुका है। तो अब आपका पासवर्ड ब्रेक हो चुका है, आपको लिखना है रीबूट। रीबूट लिख के आपको एंटर मारना है, और आपके पास फिर इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, और यहाँ पे आपको फिर से रीबूट टाइप करना है। तो रीबूट टाइप करके हमें फिर से एंटर दबा देना है, और आपकी जो विंडोज़ है वो फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं हमारा पासवर्ड ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। तो ये यहाँ पर स्टार्ट हो रही है विंडोज़। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे लैपटॉप में पहले एक पासवर्ड लगा हुआ था, जो अब लॉगिन करते वक्त वो पासवर्ड का ऑप्शन नहीं आया, तो इसका मतलब हमने सक्सेसफुली अपना पासवर्ड ब्रेक कर लिया है। सो गाइस, इस तरह से आप किसी भी विंडोज का पासवर्ड ब्रेक कर सकते हो हिडन बूट के थ्रू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। और अगर अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर ले, आपको यहाँ पे मेरा यूजर नेम दिखाई दे रहा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।